Good morning, students. How are you? Great. Okay, so now we are going to learn about the noun gender. Okay, आज हम gender के बारे में जानेंगे. से कितने kinds होते हैं और कैसे genders को हम बदलते हैं, कैसे form करते हैं. ठीक है, तो gender means होता क्या है? Gender means होता है लिंग. ठीक है, कि कोई भी किसी भी नाउन को देखकर हम पता लगा लें कि कौन सा लिंग है. ठीक है, किस जेंडर का है. तो जेंडर बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्सेस होता है, किस कौन सा सेक्स है, मेल सेक्स है, फीमेल है, ठीक है, कॉमन है या न्यूट्रल है. ठीक है, तो इसके जो बेसिकली है जो फोर जेंडर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, कौन कौन सा. पहला है मैस्कुलिन. क्या है? मैस्कुलिन. मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? जो भी ऐसे नाउन जो मेल सेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, मेल सेक्स को डिनोट करते हैं, उसी को बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें, जैसे बच्चा, बॉय, लड़का. लड़का क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है, लेकिन लड़की फेमिनिन जेंडर है. ठीक है, आई जानते हैं. जैसे एग्जाम्पल देखिए, योर फादर इज अ गुड मैन. और फादर क्या होता है? जेंट्स में आता है कि लेडीज में आता है? सर, फादर्स तो जेंट्स में आते हैं, तो ये आएंगे मैस्कुलिन जेंडर में. और मैन भी मैस्कुलिन में आएगा. ठीक है, दीज बॉयज आर हैंडसम. बॉयज किस में आएगा? मेल में आएगा, मेल सेक्स को डिनोट करता है. द कॉक क्रोस इन द मॉर्निंग. ठीक है, कॉक्स किस में आएगा? ए बी मुर्गा. इसमें आएगा मैस्कुलिन आएगा. ठीक है, सन बेटा किस में आएगा? माई सन इज स्टडिंग इन एम ए. मेरा बेटा है एम ए में पढ़ रहा है. तो सन क्या है? ये भी मेल सेक्स को डिनोट करता है. ठीक है, तो केवल आदमी नहीं, जानवर भी, जो भी आदमी और जो भी जानवर, मैन और जो भी जानवर हैं, अगर वो मेल सेक्स को डिनोट करते हैं तो सारे के सारे मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे. लिखा भी है, अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल सेक्स इज सेड टू बी अ मैस्कुलिन जेंडर. एग्जाम्पल, बॉय, मैन, नेफ्यू, भाजा, हस्बैंड, लॉर्ड, मॉन्क, साधु, सर, अंकल, लायन, हॉर्स, बुल, एक्सेट्रा. ठीक है, ये सारे क्या है? मेल है, मैस्कुलिन जेंडर है. और इसके ऑपोजिट क्या होते हैं? फेमिनिन जेंडर. देखिए, यहाँ योर मदर इज अ जेंटल लेडी. यहाँ फादर का ऑपोजिट क्या हुआ? मदर. मैन का लेडी. ठीक है, तो जो भी नाउन फीमेल सेक्स को डिनोट करते हैं वो सारे आते हैं किसमें? फेमिनिन जेंडर में आते हैं. दीज गर्ल्स, लड़कियां भी फेमिनिन में आएंगी. हेन, मुर्गी, वो भी आएंगी फेमिनिन में. डॉटर, ये भी आएगी फेमिनिन में. सन होता है बेटा, किसमें आएगा? मैस्कुलिन में. बेटी फेमिनिन में आएगी. क्लियर है? अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल सेक्स इज सेड टू बी ऑफ फेमिनिन जेंडर. जो भी नाउन फीमेल सेक्स को डिनोट करता है तो दे आर ऑल फेमिनिन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल, गर्ल, वुमन, नीस, वाइफ, लेडी, नन, मैडम, आंट, लायनेस, मेयर, काउ. ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन हमको नहीं होना चाहिए मैस्कुलिन और फेमिनिन में. ठीक है बेटा, आइए आगे जानते हैं. अब आता है थर्ड कैटेगरी, कॉमन जेंडर. जैसे कि नाम से पता चल रहा है कॉमन होता है. इसमें क्या होता है कि आपने डॉक्टर देखा है? सर, डॉक्टर देखा है. तो डॉक्टर जेंट्स होते हैं या लेडीज होती हैं? सर, डॉक्टर तो दोनों ही होते हैं. अच्छा, गुड. और टीचर देखा है आपने? हाँ सर, बिल्कुल, हम स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर तो देखा ही है. तो ये बताइए, टीचर कौन होता है, मेल होता है या फीमेल होता है? सर, वो तो दोनों ही होते हैं. यस, तो ऐसे नाउन जो दोनों में आए. ठीक है, जो दोनों में आए, या तो मेल हो या फिर फीमेल हो, ऐसे ही नाउन को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन जेंडर बोलते हैं. क्लियर होगा? जैसे योर फ्रेंड इज वेरी कोऑपरेटिव. और दोस्त कौन सा जेंडर? कॉमन है. क्यों? क्योंकि आपके दोस्त लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी हो सकती है. ठीक है, सम बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर. चिड़िया मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है. गेस्ट
गेस्ट मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, जैसे आपके आपके मामा भी आ सकते हैं घर पे और आपकी मामी भी आ सकती हैं। तो क्या हुआ, ये कॉमन जेंडर में आएगा। सम स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंटिव इन देयर क्लास, तो स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स में लड़के भी आ सकते हैं और लड़कियां भी। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो है दोनों में ही आते हैं, या तो मेल में आएंगे या फिर फीमेल में आएंगे। तो ऐसे नाउन्स को जो दोनों में ही आते हैं उसी को बोलते हैं कॉमन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, बेबी लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, चाइल्ड पेरेंट पीपल कजिन फ्रेंड नेवर बर्ड एक्सेट्रा। ठीक है, देखिए मैस्कुलिन था जो मेल सेक्स को डिनोट करता था, फेमिनिन जो कि फीमेल सेक्स को डिनोट करता है, और कॉमन जो कि दोनों को करता है, दोनों में से कोई एक हो। ठीक है, अब आता है न्यूट्रल जेंडर, ये होता है लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए, जिस भी किसी थिंग में लाइफ नहीं है उसी को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल जेंडर। जैसे आपके सामने देखिए बहुत सारे न्यूट्रल जेंडर के, मोबाइल है, किताब है, कॉपी है, पेंसिल पेन, ये सब क्या है, न्यूट्रल जेंडर, बिकॉज दे आर नॉट मूव वन प्लेस टू अनदर। बॉक्स, डब्बा आपका बॉक्स है, वो हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता खुद से, तो क्या हुआ न्यूट्रल जेंडर। इसमें उसमें लाइफ भी नहीं है, बुक्स में भी नहीं है, फील्ड में भी नहीं है, चेयर्स में भी नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, चेयर टेबल डेस्क बॉल बैट ट्री। ट्री को बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सर इसमें तो जान है, लेकिन इसको हम लोग न्यूट्रल जेंडर में कंसीडर करते हैं। पेन वुड हाउस गोल्ड सिल्वर मिल्क वाटर एट्सेट्रा। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। चलिए अब आता है फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन जेंडर, कह रहा कि मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। पहला रूल है कि बाई एडिंग एस एस और ई एस एस टू द मैस्कुलिन नाउन। कह रहा कि पहला रूल ये है कि मैस्कुलिन में अगर हम डबल एस लगा दें और या फिर ई एस एस लगा दें तो उसको फेमिनिन जेंडर मिल जाता है, जैसे प्रिंस का प्रिंसेस, इसमें ई एस एस लग गया तो उसका फेमिनिन जेंडर हमको पता चल गया, लायन तो लायनेस हो गया। ठीक है, ई एस एस हमने जोड़ दिया तो मेल मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट हो गया। एक्टर का एक्ट्रेस, एम्परर का एम्प्रेस हो गया। ठीक है, पोएट का पोएटेस हो गया, हेयर का हेयरेस हो गया, गॉड का गॉडेस हो गया। देखा आपने, यहाँ पे डी इसमें एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिया गॉडेस का, इसको याद रखिएगा। मिस्टर का मिस्ट्रेस हो गया, हंटर का हंट्रेस हो गया, टाइगर का टाइग्रेस हो गया। ठीक है, तो ई एस एस जोड़ के या फिर ई एस जोड़ के हम उसका फेमिनिन जेंडर फॉर्म कर लेते हैं। फिर कह रहा है बाई चेंजिंग जेंडर पार्ट ऑफ द कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन क्या होता है, जैसे जो दो वर्ड से मिलकर, दो अलग अलग वर्ड से मिलकर एक वर्ड बनता है, उसका मीनिंग एक सिंगल होता है। जैसे ग्रैंड का मतलब बड़ा होता है, फादर मतलब पिता होता है, तो दो अलग अलग वर्ड है दोनों को हमने एक ही मिला दिया, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। ठीक है, अब देख कह रहे हैं बाई चेंजिंग जेंडर पार्ट ऑफ द कंपाउंड नाउन, कह रहे कंपाउंड नाउन में जो उसका जेंडर है उसको चेंज कर देंगे। जैसे ग्रैंड फादर में जेंडर किसका है, ग्रैंड का जेंडर है फादर का, फादर का, तो फादर को चेंज कर दीजिए मदर में। ठीक है, ग्रैंड मदर हो गया। लैंड लॉर्ड, ठीक है, यहाँ पे लॉर्ड होता है, लैंड का कोई होता नहीं है, लॉर्ड लॉर्ड का क्या हो जाएगा, लेडी हो जाएगा, तो लैंड लेडी। पी कॉक, कॉक का क्या होता है, हेन होता है, तो पी हेन बना दीजिए। ही गोट का क्या होगा, शी गोट हो जाएगा। मैन सर्वेंट का क्या होगा, मेड सर्वेंट हो जाएगा। वॉशर मैन का वॉशर वुमेन हो जाएगा। तो जो भी आपको जेंडर पार्ट दिख रहा है उसको चेंज कर दीजिए। बुल का क्या हो जाएगा, काउ हो जाएगा, तो काउ काफ हो जाएगा। ही बियर का शी बियर। ठीक है, अब बताया बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, कह रहा है कि कुछ फेमिनिन ऐसे होते हैं जिसको हम पूरा अलग से ही चेंज कर देते हैं, तो कोई मतलब मैस्कुलिन से मिलता जुलता बिल्कुल नहीं। जैसे बॉय का गर्ल हो जाएगा, सन का डॉटर, फादर का मदर, हस्बैंड का वाइफ, अंकल आंट, नेफ्यू नीस, मैन वुमन, सर मैडम, लॉर्ड लेडी, विंडोर विडो, किंग क्वीन, मॉन्क नन, विजर्ड विच, फॉक्स विक्सन, कॉक हैन, हॉर्स मेयर, बुल काउ। आई थिंक ये सब आपको याद होगा मेरे ख्याल से, आपने पढ़ाई क्लास में। ठीक है बेटा, तो इसको पढ़िए, उसको याद कीजिए, कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो यू कैन